हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपना फोर्थ लेक्चर ऑन एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंडिया यूएस डायलॉग, यानी कि भारत अमेरिका समुद्री वार्ता, ठीक है, ये कहाँ हुई है। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर है गोवा। भारत अमेरिका समुद्री वार्ता गोवा में हुई है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा इतिहास बता देता हूं। ये अपने तरह की पहली मीटिंग है जो कि गोवा में 1 नवंबर से स्टार्ट हुई है, और ये मीटिंग भारत में करवा रहा है कौन, भारत का एक्सटर्नल मंत्रालय यानी कि विदेश मंत्रालय। और इसको मीटिंग का कराने का मेन मोटो क्या है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ब्लू इकोनॉमी, यानी कि समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, इसको नीली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। नीली अर्थव्यवस्था क्यों, क्योंकि समुद्र हमारे नीले रंग के होते हैं। सो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ब्लू इकोनॉमी के बारे में कि इससे क्या क्या फायदे हैं। सो मूव करते हैं, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं नीली अर्थव्यवस्था के बारे में। सो नीली अर्थव्यवस्था क्या है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। ब्लू इकोनॉमी इज सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्स, यानी कि समुद्र में हमारे जितने भी तरह के संसाधन हैं उन सभी का यूज करना आर्थिक तरीके से लोगों की जीवन व्यवस्था को सुधारने के लिए, उनको जॉब देने के लिए और समुद्री पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब इसमें मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखिए, समुद्र में क्या है, समुद्र के बहुत सारे फायदे हैं। समुद्र अथाह ऊर्जा का संसाधन है, स्रोत है। समुद्र में हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है, जिसको मरीन एनर्जी कहते हैं। समुद्र की लहरों में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी एज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। समुद्रों का यूज हम लोग फिशरीज के लिए कर सकते हैं, यानी कि मछली संसाधन के लिए, मत्स्य पालन के लिए और मछली खरीदना बेचना। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, यानी कि मैं आप बता दूं दोस्तों कि हमारे दुनिया में जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है माल का, यानी कि एक सामान दूसरे देश से इस देश में आता है, तो वो 80% समुद्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, आज भी इसमें स्कोप है कि हम लोग 100% इसकी तरफ बढ़ जाएं या 80% से बढ़ के 85% हो जाएं। सो ये सब स्कोप है। और समुद्रों का अगर हम लोग और लाभ उठा सकते हैं तो वो क्या, टूरिज्म में। ठीक है, समुद्र के चारों तरफ जो क्या होते हैं वो आप लोग क्या कहते हैं उसको, कोस्टल एरिया यानी कि तट, समुद्री तट, उसको हम लोग अच्छा सा बना के, सुंदर बना के वहां पर टूरिज्म कर सकते हैं। जैसे भी बड़े बड़े द्वीप होते हैं, आइलैंड आप लोगों ने सुना होगा, पिक्चरों में दिखाते हैं, वो लोग वहां पर घूमने जाते हैं क्योंकि वहां पर समुद्र से चारों तरफ से घिरा रहता है, वहां की हरियाली होती है, वो देखने में सुंदर होते हैं, तो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग भी अपने समुद्री तटों को सुंदर कर लें तो टूरिज्म का एक अच्छा खासा सोर्स हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, कैसे, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है, क्योंकि देश का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो समुद्रों का लेवल बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो समुद्री तट हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लहरें, पानी बढ़ रहा है तो जो समुद्र तट हैं वो डूब रहे हैं, लहरें आती हैं समुद्र तटों को काट देती है। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो तट रेखा है वो बदल रही है। ठीक है, और टाइम के साथ वो कम होती जा रही है, बदलती जा रही है। और वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग समुद्रों को फिर से अच्छा कर सकते हैं अगर हम लोग अपना वेस्ट मैनेजमेंट सुधार लेते हो। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ देश, हमारे यहाँ क्या, कहीं भी किसी भी कंट्री में जितना भी वेस्ट होता है वो सब हम नदी में बहा देते हैं, नदी से बहता वो सब समुद्रों में चला जाता है, तो अल्टीमेट क्या होता है, समुद्र गंदे हो रहे हैं। तो अगर हम लोग उन वेस्ट को मैनेज कर लें या कम कर लें किसी तरह ग्रीन एनर्जी यूज करके, तो हम अपने समुद्रों को बचा सकते हैं, उसकी लाइफ बचा सकते हैं, और इस तरह से समुद्र बचेंगे तो हम लोग फिर उसमें यातायात कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको नीली अर्थव्यवस्था बोला गया है, क्योंकि अगर हम लोग समुद्रों को यूज करना शुरू कर दें, उससे उसके द्वारा प्राप्त संसाधनों को यूज करना शुरू कर दें, तो हमारा देश तरक्की कर सकता है। हमारा देश क्या, पूरी दुनिया के जो भी देश तटीय इलाकों में बसते हैं वो सब कर सकते हैं, बस हमको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें पूछा गया है, नए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, अभी अभी इनको चुना गया है, वो कौन है, योगेश चंद्र मोदी। ठीक है, इनसे पहले कौन थे, शरद कुमार सिन्हा थे, जो कि 30 अक्टूबर 2017 को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं एनआईए के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि ये नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन कब हुआ, इसका आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि 26 नवंबर को, 26/11/2008 को मुंबई के ताज होटल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। ठीक है,
तो उस अटैक के बाद वो एक ऐसा अटैक था जो भारत में मतलब पूरी सत्ता को हिला दिया था। तो उस अटैक के बाद से हमारे जो पॉलिटिशियन है उन्होंने देश की आर्थिक, सॉरी आर्थिक नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एक्ट। इसके तहत एनआईए का गठन हुआ। तो एनआईए के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि जो क्या है, काउंटर टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद से खिलाफ लड़ाई, ठीक है। ये उसका, एनआईए का मुख्य उद्देश्य है। गठन इसका कब हुआ था? 2008 में। क्यों? मुंबई हमले के बाद, ठीक है। सो ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। और ये योगेश चंद्र मोदी इसके नए डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं अभी अभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि जापान के 95th प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, 94th कौन थे, शिंजो अबे जो अभी अभी गुजरात आए थे और उन्होंने बुलेट ट्रेन का उद्घाटन किया, ठीक है। तो 95th जो हैं वो भी शिंजो अबे ही हैं। ये दोबारा सेलेक्ट हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, इनका दोबारा री इलेक्शन हुआ है, ठीक है, री इलेक्ट हुए हैं ये। अब मैं आपको बता देता हूं कि शिंजो अबे के दोबारा प्रधानमंत्री से बनने के बाद से भारत पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत और जापान बहुत ही गहरे संबंध हैं इनके, ये एक बहुत ही पुराने दोस्त रहे हैं और आज भी हैं। तो इसके रीजन क्या है? नंबर एक, क्योंकि भारत जो है वो बुद्धिज्म का मतलब बौद्ध धर्म का उत्पत्ति देश कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्म यही भारत में हुआ था, उन्होंने भारत में सब कुछ किया, सारनाथ में ज्ञान दिया अपना, उसी तरह से। और जापान में लगभग बहुत ही 90% पॉपुलेशन वहाँ की बुद्ध धर्म को मानने वाली है, इसीलिए उनका यहाँ से एक रिलीजियस और कल्चरल जुड़ाव है, तो वो भारत को अपना दोस्त समझते हैं, ठीक है। तो इससे भारत का फायदा क्या है? क्योंकि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही समर्थ और जियांट कंट्री है, ठीक है, वो भारत में इन्वेस्टमेंट करती है, भारत में भारत को लोन देती है, इससे भारत तरक्की करता है, ठीक है। 2006 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जब जापान गए थे, ठीक है, तो उन्होंने वहां पे मीटिंग करी और दिल्ली मेट्रो का प्रस्ताव रखा, यानी दिल्ली मेट्रो हमने जो लगाई है वो जापान के सहयोग से ही लगाई है। और आज जो गुजरात में बुलेट ट्रेन की नींव पड़ी है जो कि अहमदाबाद से मुंबई के लिए चलेगी, वो भी शिंजो अबे ने उद्घाटन किया है, जापान की मदद से ही लग रही है। साथ में 2016 में भारत और जापान के बीच एक न्यूक्लियर डील भी हुई थी 2016 में, जिसके तहत भारत में 6 पावर प्लांट लगाएंगे, बोलो, न्यूक्लियर पावर प्लांट 2032 तक। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जापान में शिंजो अबे के दोबारा सेलेक्ट होने से एज ए प्रधानमंत्री भारत को इसका बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोस्ती फिर से आगे बढ़ेगी और भारत में इसके फायदे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इसमें वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी एक नई रैंक निकाली है, ठीक है, जिसमें व्यापार करने के लिए कौन सा देश आसान और सरल रास्ते मुहैया कराता है, ठीक है। सो उसमें भारत की रैंक है 100, 100th रैंक, ठीक है। इस पे टॉप किसने किया? न्यूजीलैंड ने। और नंबर 2 पे कौन है? सिंगापुर। यानी कि जिस देश की रैंक जितनी अच्छी है, जैसे कि न्यूजीलैंड की रैंक नंबर 1 है, यानी कि वहां पे व्यापार करना बहुत ही सरल है, वहां के नियम कानून बहुत ही अच्छे हैं और सरल है, वहां पे ज्यादा टैक्स नहीं है, वहां पे ज्यादा कड़ी पूछताछ नहीं होती, इस तरह से, ठीक है। अब आप बताते हैं कि सर्वे के बारे में, ये जो सर्वे हुआ है वो 190 देशों के बीच किया गया है, ठीक है। पिछले साल भारत 130 रैंक पे था, यानी कि आप देख सकते हैं 130 से वो 100 रैंक पे आ गया है, यानी 30 स्थानों की उसने छलांग मारी है। अब किसी ने इम्प्रूवमेंट किया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निर्णय लिए गए होंगे। तो वो निर्णय कौन से हैं? जैसे कि भारत ने अभी अभी अपनी टैक्स प्रणाली में चेंज किया है, जीएसटी लगा दिया है, ठीक है, और भी आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें कम की हैं, ठीक है। भारत में लाइसेंस देना थोड़ा इजी हो गया है, जब पहले की तरह कड़े नियम नहीं रहे, ठीक है। एफडीआई इजी हो गया है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए सीमा बढ़ा दी गई है अलग अलग तरह के कंटेंट में, किसी में 49%, किसी में 51%, किसी में 100%, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से लेक्चर ला के पढ़ा दूंगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और साथ में भारत ने अपने बैंकिंग में भी काफी सुधार किया है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, और साथ में ताकि कोई भी काला बाजारी ना करे या बैंक से धन लूट के ना जा पाए, इसके लिए भी काफी कड़े नियम बनाए गए हैं, इसीलिए डिजिटल इंडिया
को भारत ने मस्ट कर दिया है, अपने अपने आधार कार्ड सबसे जुड़ रहे हैं बैंक अकाउंट से। इन सब का फायदा है जो कि आने वाले कुछ समय में दिखाई देगा। और वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के इन सभी जो उन्होंने कदम उठाए हैं उन सबका स्वागत करते हुए उसकी रैंक को इम्प्रूव कर दिया है, और वो 100 रैंक पे आ गया है पिछले साल, जो कि 130 रैंक पे था। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सरकार है उनके कदम सब खराब निर्णय है, पूरे विश्व में उसकी काफी तारीफें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी अभी एक भारत ने एक एक्सरसाइज की है, मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र 2017 नाम से। ठीक है, ये एक्सरसाइज किन देशों के बीच हुई है? वो है इंडिया और रशिया। अब इंडिया रशिया कैसे, मैं आपको बता दूं, इसका नाम इंद्र क्यों पड़ा? IND से इंडिया और RA से रशिया, ठीक है, इसीलिए इसका नाम इंद्र पड़ा है। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा, ये मिलिट्री यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों की एक्सरसाइज है, इसीलिए इसको ट्राई ज्वाइंट सर्विस बोला गया है। ठीक है, ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज होगी कहाँ पे, क्योंकि इंडिया और रशिया, ये एक्सरसाइज होगी सी ऑफ जापान में। ठीक है, ये 11 दिन की एक्सरसाइज है, और इसका मोटो क्या है, अब जब दो देश आपस में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उसका मोटो होता है आपसी तालमेल बिठाना, ठीक है, सामंजस्य बिठाना, जिससे क्या हो, एक दूसरे की ताकत हम लोग बन सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, और कॉन्फिडेंस आपसी सहयोग बढ़ाना। ठीक है, अब जब दो सेनाएं आपस में एक्सरसाइज करेंगी तो वो एक दूसरे के साथ अपनी अपनी प्रैक्टिस भी शेयर करेंगी, ठीक है, कि कौन किस तरीके से ज़्यादा बेस्ट है, और उसका बेस्ट तरीका अपना के हम लोग भी अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, अपनी सेना को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के 5वें क्वेश्चन आप एक बार समरी देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन में हम लोग ने अपने भारत के विदेशी संबंधों के बारे में देखा, दूसरे देशों के साथ, खासकर अमेरिका के साथ, जो कि भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है, और फिर उसके बाद हमने ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीली अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, जो कि समुद्र से रिलेटेड है। दूसरे क्वेश्चन में हमने भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मसलों को देखा, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, मुंबई हमले कब हुए थे और मुंबई हमलों का परिणाम क्या हुआ था, एक नई NIA का गठन हुआ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमने जापान से भारत के संबंधों के बारे में जाना, और जो शिंजो अबे फिर से प्रधानमंत्री बने हैं उसका भारत पे क्या फर्क पड़ेगा फ्यूचर में, उसके बारे में थोड़ा जाना। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन हमने क्या देखा, चौथे क्वेश्चन हमने देखा कि भारत सरकार ने पिछले 2 सालों में जो भी डिसीजन लिए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, उनका फर्क अब देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक भी भारत की पोजीशन को इम्प्रूव करके बता रहा है, इसका मतलब आने वाले समय में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। 5वें क्वेश्चन हमने देखा भारत की सेना का दूसरे देश की सेना यानी कि रशिया के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करना इंद्र नाम से। ठीक है, और उस एक्सरसाइज का मोटो क्या है और वो कहाँ हुई ये। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं अपना अगला MCQ लेके फिर से हाजिर होऊंगा कल आपके लिए सुबह शार्प 6 AM पे, MCQ 5 @6 AM। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू, टाटा बाय बाय।